दोस्तों, मैं हूं अनंत और आप देख रहे हैं द देसी ट्रेवलर्स। और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने आने वाले कैंपिंग की, जो कि इंडिया का बिगेस्ट कैंपिंग फेस्टिवल होने वाला है। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगभग लगभग जो भी सामान हमें यूज़ होने वाला है उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे आपको पता चल सके कि आप भी अगर अपनी कैंपिंग करते हैं तो उसमें आप क्या क्या सामान आपको यूज़ में आएगा। सबसे जो जरूरी सामान है वो है आपका टेंट। तो अगर आपके पास गाड़ी में सेटअप नहीं है तो आपको टेंट, जाहिर सी बात है, यूज़ करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में भी सेटअप अभी नहीं है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये डिकैथलॉन का 3% टेंट, जो कि 3 लोगों के लिए सफिशियंट है। और उस टेंट के ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये डिकैथलॉन का ही टार्प है। इसका साइज़ जो है एल साइज का ये टार्प है, और ये जो काम आने वाला है जब आपके पास गर्मी ज़्यादा होगी कैंपिंग साइट में, तो उस समय आप जो है टेंट का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हवादार नहीं होता। लेकिन ये टार्प लगाने के बाद आप जो है आराम से उसके नीचे छाए में अपना जो भी आपका जो काम है, खाना बनाना है या आपको आराम करना है, कुछ भी, आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आप आराम से कर सकते हैं। टेंट के बाद हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पानी का, आप देख सकते हैं ये लगभग 15 लीटर का है, और इससे मेरा 2 दिन का काम जो चल जाएगा पानी का। तो मैं अगर इसको एक बार भरता हूँ तो मैं 2 दिन के लिए, मेरे लिए जो पीने का पानी है उसकी व्यवस्था मेरी हो जाएगी। इसके आगे हम अब दिखाते हैं आपको कि कुकिंग के लिए हम कौन सा स्टोव यूज़ कर रहे हैं। तो कुकिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है हंस कर कंपनी का पोर्टेबल स्टोव है ये, और ये चलता है ब्यूटेन गैस के ऊपर। आपको मैं दिखाता हूँ खोल के इसको, ये आप देख सकते हैं इसके साथ प्रॉपर पैकेजिंग दी हुई है, एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर इसको आप स्टोर कर सकते हैं, और जिससे इसकी सेफ्टी भी होती है। ये देखिए आप, ये है हंस कंपनी का ब्यूटेन गैस स्टोव। देखेंगे साइज में काफ़ी छोटा है ये, और पोर्टेबल भी है। इसमें यहाँ पे आप देखोगे एक जो ब्यूटेन गैस सिलेंडर लगाने की जगह भी दी हुई है प्रॉपर, आप इसको यहाँ पे सेट करके और इसको आप इजीली जो है अपने कैंपिंग की जो भी आपकी साइट होने वाली है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से हम वापस से जो है पैक कर देते हैं। इसको पैक करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे आप देखोगे ये स्लाइडिंग टाइप का एक नॉब दिया हुआ है। दूसरा साथ में मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे एक फेस्टिवल 4 दिन का होने वाला है, तो मैं हंस कंपनी का ही जो है सेफ्टी पर्पज से हंस कंपनी के ये 3 सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ। ऑलरेडी एक सिलेंडर मैंने लगा रखा है, 3 सिलेंडर जो है, एक सिलेंडर लगभग एक दिन चलने वाला है मेरा वहाँ पे, तो ये 3 सिलेंडर मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। और अब इसके बाद मैं बात करता हूँ अपने मैनेजमेंट के बाद मैं बात करूँगा अपने इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट की, कि हम वहाँ पर लाइट की किस तरह की व्यवस्था करने वाले हैं। तो मैंने एक देसी जुगाड़ बनाया हुआ है, आप देखेंगे इसको मैंने चार्ज किया हुआ है, ये 2 मैंने लाइट बनाए हुए हैं जो अब जो घर में यूज़ करते हैं। फिलिप्स का चार्जेबल ये लाइट है, और आप देख सकते हैं 2 हैं ये, एक का बैकअप लगभग 4 घंटे का है, तो मैंने सेफ सेट 2 बना के रखे हुए हैं, क्योंकि अगर शाम के टाइम आपको 4 से 5 घंटे का ही जरूरत पड़ने वाली है। एक ये 2 मैंने बना लिए हैं इसके लिए, दोनों ही जो है चार्ज करके मैंने पहले से रखे हुए हैं। अगर चार्ज करना होगा तो इसको चार्ज करने के लिए मेरे पास वेंट्रो कंपनी का ये कार चार्जर है, कार पे लगा के डायरेक्ट यहाँ से चार्ज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं इस पे प्रॉपर दिया हुआ है के लिए लाइट्स होगी। मैंने रखा हुआ है 2 टॉर्च रखे हुए हैं, सोलर से चार्ज होने वाला टॉर्च है और एक नॉर्मल टॉर्च है जो मैं इसको टॉर्च चार्ज कर सकता हूँ। पास हेडलैम्प है, के टाइम पे मैं कुछ काम करना है तो उस टाइम पे मैं इसको लगा के यूज। टॉर्च को यूज करना काफी आसान है। इसके बैंड को आप लूज करके और आराम से अपने सर पे लगा सकते हैं। और इसका यूज मैं तब करने वाला हूँ जब मुझे कोई ऐसा काम करना हो जिससे मुझे अपने दोनों हाथ फ्री चाहिए। और इसमें टोटल 3 मोड्स हैं, और 3 मोड्स का जो जो है वो अलग अलग लाइट की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से है। ये लाइट के इसमें दोस्तों पावर बैकअप के लिए मेरे पास टोटल 6 पावर बैंक हैं, और हर एक पावर बैंक 10,000 mAh का है। तो मेरे पास जो पावर बैकअप बन रहा है वो 60,000 mAh का बन रहा है। और इसका इस्तेमाल जो है मैं फोन, मेरे कैमरा और कुछ लाइट्स हैं मेरे पास छोटी, उनको चार्ज करने के लिए करने वाला हूँ।
और आप देखेंगे कि ये सफिशिएंट है मेरे लिए। इसके अलावा मेरे पास एक पावर कॉर्ड है जो मैंने खुद से बनाई है। इसमें एक मेल सॉकेट है, बाकी दो फीमेल सॉकेट रखे हैं हुए हैं मैंने। और मुझे जिस समय कार से कोई कोई भी ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चार्ज करना होगा तो मैं कार में इसको लगा के और अपने उस इक्विपमेंट को मैं चार्ज कर सकता हूँ। साथ ही आप देखेंगे मैंने बेडिंग के लिए जो है अपने पास दो फोल्डेबल बेड लगा रखे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं ये हैं। टोटल इनका जो साइज है वो 6x3 का है और जो मेरे टेंट का साइज है वो 6x6 का है। तो ऐसे दो बेड यूज करने पे मुझे जो है पूरा एरिया जो है मेरा कवर हो जाएगा नीचे का और आराम से एक पूरी फैमिली सो सकती है 6x6 के बेड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। दोस्तों उत्कृष्टर जो है काफी ऊंचाई पे है और वहां पे रात को बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है, तो उसके लिए जो है मैं डबल बेड की एक रजाई मैंने रख ली है। और ये वॉशरूम के लिए यहाँ पे मैं वॉशरूम टेंट यूज कर रहा हूँ जो कि एक फोल्डेबल टेंट होता है और इसको आप किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे आप इसको बहुत आराम से ओपन करके यूज कर सकते हैं। तो वैसे तो वहाँ पे दो ऑलरेडी वॉशरूम्स हैं पर फिर भी मैंने इसको रख लिया है सेफ साइड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।